हमारे गांव कस्बे की लंबी दोपहरें बड़ी खाली सी हुआ करती थी, जो बचपन के दिनों की तरह यूं ही बस बेवजह सी बीतती रहती थी। इन दोपहरों की लंबी ऊंग धूप डलने के बाद टूटा करती थी मोहल्ले की नुक्कड़ वाली घुमटी पर। एक एक घर अलग अलग गलियों वाले यार दोस्त आकर जुटना शुरू कर देते थे इस घुमटी पर, और सबकी संध्या बत्ती घुमटी के पुराने पड़ चुके बल्ब की लो वोल्टेज वाली पीली रोशनी के जल जाने से होती थी। फिर शुरू होता था दौर खबरों का, किस्सों का, गॉसिप्स का, टांग खिंचाई का। कोई कानाफूसी करता था, कोई अपने मन की बात ताहों में दबा के रख लेता था, और कोई नई पुरानी फिल्मों का किस्सा सुनाता था, कोई एक नई पढ़ी हुई पुरानी किताब का एक हिस्सा सुनाता था। इन सब खबरों किस्सों में घुमटी वाला वो किसी पेंटिंग में चित्रकार के हस्ताक्षर की तरह बाय डिफॉल्ट शामिल रहता था। गोपाल साव, जोगी मंडल या दिनेश चौरसिया, नाम चाहे जो रहे, सकल चाहे कैसी भी हो और चाहे किसी भी शहर में हो, पर अगर घुमटी होगी तो इस चरित्र की मौजूदगी वहां तय होती थी। मन मन मुस्कुराते हुए अपने ग्राहकों को किसी डिब्बी से सिगरेट, किसी बंडल से बीड़ी, किसी रैक से पेप्सी और किसी डिबिया से तंबाकू निकालकर देते हुए वो शरीक रहता था इस घुमटीबाजी में। उमती लंबी दोपहरें सबसे अधिक उसे ही खलती थी, और धूप की ढलान का इंतजार सबसे ज्यादा उसे ही रहता था, जिसके बाद ही उसकी दुकान घुमटी के रूप में सज जाती थी, जगमगाने लगती। अपनी उम्र की तरह इस घुमटी को भी हमने बदलते देखा था। एक कच्ची झोंपड़ी जिसकी फूस की छप्पर के नीचे दो तीन लकड़ी की टूटी बेंचें, दाग लगे कांच के कुछ ग्लास, कांच के ही मर्तबानों के अंदर से बाहर की दुनिया निहारते अलग अलग तरह के बिस्कुट, मुढ़ी, चनाचूर, और साथ में होता था एक हमेशा जलते रहने वाला स्टोव। इस कच्ची झोंपड़ी को हमने पक्की दीवारों वाले कमरे के घर में बदलते देखा, पर फूस की वो झोंपड़ी भी हमारे लिए घुमटी ही थी, और ये पक्की दीवारों वाला घर ये भी हमारे लिए घुमटी ही रहा। फिर एक दौर आया जब पूरी दुनिया के दरवाजे एक दूसरे के लिए खुल गए और इन दरवाजों से होकर पैसा आने जाने लगा। ऐसे में घुमटी ने भी अपनी खिड़कियां खोल दी और उसमें नए तरह के सामान रैकों पर सजने लगे। और ऐसे ही दौर में हम सब भी किसी एक उमती दोपहर को अपना गांव, अपना कस्बा, अपना शहर मोहल्ला और अपनी घुमटी को छोड़कर जगह बदल हुए और उतर गए बड़े शहरों की चकाचौंध भरी सांगों के बीच। यहाँ जब रंगीन रोशनियों से चमचमाते एक मॉल को देखा तो मुंह से बरबस ही निकला, अरे ये तो हमारी घुमटी ही है, यहाँ भी एक ही छत के नीचे देखो सब कुछ बिकता है। और तभी पीछे से एक आवाज ने कंधा थपथपाया, हाँ पर ये घुमटी ग्लोबल हो गई है। इसीलिए तो गांव कस्बों से उठाए हम कुछ लोगों ने डिजिटल होते भारत के इंटरनेट के विशाल ग्लोबल मोहल्ले के एक कोने में अपनी घुमटी लगाई है। यहाँ हम हैं, आप हैं, मैं और वह सब मिलेंगे, मिल बैठ कर कुछ अपनी कहेंगे, कुछ औरों की सुनेंगे, आपकी सुनेंगे। तो आइए ना इस घुमटी की बेंचों पर अपनी अपनी जगह चुने।